गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं मिस्टर डीआईवाई। तो मैं पहले भी एक बार गई हूँ एंड वहाँ पे मतलब वो एक ऐसा स्टोर है ना जहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आपको कुकवेयर मिल जाएगा, घर का सामान मिल जाएगा, होम डेकोर, मेकअप एंड लिटरली गार्डनिंग का भी सामान मिल जाता है। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू सी देयर कलेक्शन के अभी क्या क्या नया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। चलो ड्राइवर साहब। सो गाइस हम लोग आ गए मिस्टर डीआईवाई एंड यहाँ पे ना एक बड़ी सी वॉल है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या चीज कहाँ से मिलती है। एंड देन एंटर करते आपको दिखेगा अंडर 99 प्रोडक्ट्स एंड मुझे 57 रुपीज में इतने क्यूट पेस्टल कलर के क्लिपर्स मिल गए। एंड देन पिज्जा कटर इतने अच्छे अच्छे डिजाइन के थे 90 रुपीज में। एंड देन दिस वाज अ बन मेकर जिसे आप अपेरेंटली बन बना सकते हो एंड ये सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए का था। एंड यहाँ पे मग्स की वेरायटी भी बहुत ज्यादा है। मग्स का प्राइस स्टार्ट हो जाता है 40 रुपीज। 100 रुपीज के तीन ब्यूटी ब्लेंडर्स मिल रहे थे, इतना सही प्राइस लगा ना मुझे। उसके अलावा इस टाइप के फोटो फ्रेम्स आप ले सकते हो, ये सब 80-90 रुपीज की रेंज में थे विच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड काफी ज्यादा सुंदर भी लग रहे थे। गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा आप ये लैनियर्ड ले सकते हो, अगर आप ऑफिस जाते हो उसके बहुत काम आएगा एंड ये बहुत क्यूट सा लग रहा था। एंड यहाँ पे बहुत सारा किचन का सामान भी मिल जाएगा, योगा मैट्स मिल जाएंगे एंड टेबल मैट्स भी थे जो कि मुझे काफ़ी सही लगे, काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइन के थे एंड इनका प्राइस था 200-250 रुपीस। एंड इनके अंदर कलर ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, लाइक रेड एक ऐसा कलर जो मैंने टेबल मैट्स में बहुत कम देखा है बट यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने देखा है 350 रुपीस का लैम्प, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अदर देन दैट आप इस टाइप के स्पून्स का सेट ले सकते हैं, इसके अंदर पिंक हैंडल वाले पूरे जो गोल्डन वाले स्पून्स होते हैं वो भी थे। एंड देन इस टाइप के सेट्स आते हैं ट्रैवल किट्स आप बोल सकते हो इनको, इसके अंदर स्पून होता है, फोक होता है एंड देन किसी किसी में आपको चॉपस्टिक्स भी मिल जाएंगे। एंड देन मुझे दिखा वॉल क्लॉक का सेक्शन एंड ओ माई गॉड क्या कलेक्शन है यहाँ की। स्पेशली गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट है एंड अपने घर में भी लगा सकते हैं, इतने सुंदर सुंदर मुझे वॉल क्लॉक दिखी। एंड देन मैं यहाँ पर देख ही रही थी एंड मेरी नज़र पड़ी इस वाली वॉल क्लॉक पे, हमें पूरा वर्ल्ड मैप बना हुआ था, बहुत सुंदर पेस्टल से ब्लू कलर में था। ना यहाँ पे आप फेक प्लांट्स भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत सुंदर लगते हैं एंड ये आप अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। ये सब 200-250 की रेंज में था। नाउ इफ़ यू हैव किड्स एट योर होम तो आप ये कॉर्नर प्रोटेक्टर ले सकते हो। बेसिकली अगर आपकी टेबल है सेंटर टेबल एंड उसके एजेस होते हैं ना वो लग ना जाएं, उसके लिए आप इस टाइप के फोम टाइप के ये प्रोटेक्टर्स थे एंड ये अंडर 100 रुपीज़ थे विच इज़ लाइक रियली अफोर्डेबल। एंड देन मुझे देखिए ये लिंट रोलर जो कि सेट ऑफ थ्री में थे एंड इनका प्राइस था 120-130 रुपीज़। आई थिंक बहुत सही प्राइस पे चीज़ें थी यहाँ पे। मुझे देखिए ये क्यूट सी शावर कैप जो कि आई थिंक 40 रुपीज़ की थी। इसके अलावा आपको सारा लाइक बाथरूम का सामान सारा कुछ मिल जाएगा। इस टाइप के जो होल्डर स्टैंड होते हैं ना जिसमें आप अपना ब्रश रख सकते हो, सोप रख सकते हो, वो सब भी मिल जाएगा, लॉन्ड्री बैग, टॉवल्स, सारा कुछ आपको घर का सामान भी मिल जाएगा यहाँ पर। एंड देन मुझे दिखा ये सेल का सेक्शन जहाँ पे अप टू 70% ऑफ था, यहाँ पे 12 रुपये 30 रुपीज़ इस टाइप के प्राइजेस एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी लाइक हेयर बैंड, क्लिप्स, ज्वेलरी एंड मिरर भी था। ये 250 रुपीज़ का मिरर था, बहुत क्यूट लग रहा था। उसके अलावा आपको सेल में काफ़ी सारा स्टेशनरी एंड बर्थडे पार्टी वगैरह का भी सामान मिल जाएगा, अराउंड 50-70% ऑफ ईजिली मिल जाएगा एंड ये सब 20-30-35 रुपीज़ की रेंज में प्रोडक्ट्स थे। एंड देन मुझे ये दिखा की होल्डर, आई थिंक की स्टैंड है जहाँ पे होम लिखा हुआ है, नीचे भी आप सामान रख सकते हो और अपनी कीज़ को हैंग कर सकते हो। वहाँ पे बड़ा मेकर था 119 रुपीज़ का, 119 रुपीज़ का। अदर देन दैट आपको वाज़ मिल जाएंगे एंड एनी क्यूट सा मुझे पिगी बैंक दिखा यहाँ पे, आप ऊपर से पैसे डाल सकते हो, बहुत क्यूट था। उसके अलावा आपको लाइट्स एंड लैम्प्स की काफ़ी वैरायटी एंड इवन कैंडल्स भी यहाँ पे काफ़ी सारी थी, लाइक इस टाइप की कैंडल्स मुझे बहुत क्यूट लगी। देन ये यूनिकॉर्न वाली लाइट एंड देन इस टाइप की लाइट्स आप क्रिसमस एंड दिवाली दोनों पे लगा सकते हो, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड देन दिस वॉज द ब्रश होल्डर। नाउ लेट्स चेक आउट द ज्वेलरी सेक्शन एंड लिटरली यहाँ क्या प्राइस देख सकते हो, 50, 70, 80, 100 रुपीज़,
लाइक एवरी थिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो अंडर 100 rupees ज्वेलरी में, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा बिकॉज इनकी ज्वेलरी काफ़ी ट्रेंडी भी थी एंड सुंदर भी थी. नाउ किड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर बोज थी, हेयर क्लिप्स थी, हेयर बैंड्स थे, टिक टाक पिंस थी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो. उसके अलावा मुझे यहाँ के फ्रेम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, स्पेशली इस पे जैसे फैमिली लिखा हुआ है एंड देर इज़ अ कोलाज जिसके अंदर आप बहुत सारी फोटोज़ लगा सकते हो. देन मुझे दिखा ये ग्रिड जो कि आप अपनी स्टडी टेबल पर भी लगा सकते हो, ये 300 rupees का था एंड बहुत सुंदर लगा. इसके अंदर आप अपनी टू डू लिस्ट लगा सकते हो, छोटे छोटे पोलरॉइड लगा सकते हो. ये जो आप क्यूट सी चीज देख रहे हो वो है ब्रोच जो कि मुझे बहुत प्यारे लगे. Now let's check out the beauty section. यहाँ पे 89 rupees के इतने सारे शीट मास्क थे, इतने सुंदर सुंदर ब्यूटी ब्लेंडर्स थे, लाइक पैकेजिंग उनकी बहुत क्यूट थी. मेकअप ब्रशेज मिल जाएंगे आपको, आई लैश कर्लर, फेक नेल्स, नेल्स स्टिकर्स भी थे एंड ये सब 60-80 rupees की रेंज में थे. ये क्यूट सा मिरर है, 30 rupees का मिरर था ये. देन आप देख सकते हो ये सीजर एंड नेल कटर का सेट था ओनली फॉर 50 rupees. देन मुझे दिखी वाली लाइट जो कि बेसिकली इट्स अ सोलर लाइट जो कि आपके गार्डन में बहुत अच्छी लगेगी. एंड देन ये पूरे ही सेक्शन में गार्डनिंग का सामान था, लाइक सारे टूल्स भी थे एंड डेकोरेशन का सामान भी था. उसके अलावा आपको बैग्स मिल जाएंगे एंड टॉयज का सेक्शन भी है. लेकिन जो आपको ये क्यूट क्यूट से पाउच दिख रहे हैं ना, मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लगे. मीशो से या लोकल मार्केट से आपको बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं. एंड देन यहाँ का स्टेशनरी सेक्शन, ओ माई गॉड, इफ़ यू आर अ स्टेशनरी फैन तो आपको यहाँ पे बहुत मजा आएगा बिकॉज यहाँ पे काफी सुंदर सुंदर चीजें थी, लाइक इतनी सुंदर सुंदर डायरीज थी यहाँ पे. पेस्टल कलर्स के हाइलाइटर्स का भी सेट था एंड उसके अलावा स्टिकी नोट्स, ये तो कलरफुल वाले के अलावा इतने सुंदर सुंदर स्टिकी नोट्स भी अवेलेबल थे. 53 rupees की स्टिकी नोट्स हैं. एंड देन इफ यू वॉन्ट अ मिरर फॉर योर रूम तो यहाँ पे आपको 400-800 rupees की रेंज में काफी सुंदर सुंदर मिरर के ऑप्शन भी मिल जाएंगे. दिस इज़ द पार्टी सेक्शन, यहाँ पे आपको सारे बर्थडे पार्टी के बैनर्स मिल जाएंगे. यहाँ पे ऐसे बर्थडे लिखा हुआ वाले चश्मे भी मिल जाएंगे, केक टॉपर्स मिल जाएगा, तो बेसिकली सारा पार्टी का सामान इजीली मिल जाएगा, लाइक पार्टी पॉपर्स एंड ऑल. नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू डेकोरेट योर रूम अंडर बजट तो आप इस टाइप की स्टिक ऑन वाली टाइल्स ले सकते हो. ये 200-300 rupees की रेंज की थी एंड ये वाली जो पिंक वाली दिख रही है ना, ये 50-57 rupees की थी ना. इसके अंदर ब्रिक वॉल वाली भी है जो मेरे स्टूडियो में, अगर आपने देखा होगा 3D वॉल स्टिकर, तो मैंने अपने स्टूडियो में भी लगा रखा है. इस टाइप की वॉल लाइक स्टिकर्स आप अपने रूम में लगा सकते हैं, रूम को रेनोवेट कर सकते हो. देन ये क्यूट क्यूट से डोर मैट्स थे, फ्लोर मैट्स वगैरह बहुत सुंदर थे. देन दीज स्टोरेज रैक्स भी आप चेकआउट कर सकते हो इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड. नाउ यहाँ पे आपको थोड़े बहुत लाइक सिपर्स के ऑप्शंस मुझे दिखे, बट सिपर्स थोड़े से मुझे प्राइजी लगे, लाइक 700-800 rupees. उसके अलावा अगर आपको कुछ देखना है तो ये इस टाइप की 50-50 rupees, 60-60 rupees की बॉटल्स देख सकते हो, फ्रिज के लिए बहुत सुंदर लगेंगी. लेकिन ये दिखने में ना एकदम ग्लास लुक दे रही थी, बट थी प्लास्टिक की. Now let me show you मैं क्या क्या लेकर आई हूँ. Hi guys, so I'm back from Mr. DIY and मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ मैं. And I spend around 500-600 rupees over there. तो मैं दिखाती हूँ कि उसमें मुझे क्या क्या मिला. ऑलमोस्ट सब चीजों पे डिस्काउंट भी चल रहा था वहाँ पे एंड कुछ एरियाज पे तो अप टू 70% ऑफ भी था. तो इनकेस इफ यू आर इंटरेस्टेड आप भी चेकआउट कर सकते हो. सो द फर्स्ट थिंग आई गॉट आर दीज क्लिपर्स. सो बेसिकली ये बहुत ही सुंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पेस्टल कलर्स में मिल गए. सो बेसिकली लेट्स से हम चिप्स खा रहे हैं एंड कभी कभी मन होता है ना कि यार पूरा नहीं खाना या फिर अभी आधा बज गया उसका क्या करें, तो पैकेट ऐसे ही रख देते हैं वो खराब हो जाते हैं, सील जाते हैं. तो हमने ये वाले क्लिपर्स लिए हैं. सो बेसिकली ये उसको अच्छे से सील कर देगा, एयर टाइट कर देगा एंड देन अपने चिप्स के पैकेट को आराम से स्टोर करके रख सकते हो एंड जब आपका मन हो तब खा लो. तो मुझे काफ़ी सही लगे एंड ये काफ़ी बड़े साइज के हैं. ये है 71 rupees के. मैं जो MRP एंड डिस्काउंटेड प्राइस जिस जिस पे डिस्काउंट था वो भी मेंशन करती जाऊंगी. एंड इसके अंदर एक छोटा वाला पैकेट भी था, लाइक जिसके अंदर छोटे साइज के थे, वो था 35 या 30 rupees का एंड दिस वाज फॉर 71 rupees. एंड मुझे तो बहुत प्यारा लगा बिकॉज ऑफ द कलर्स. सी हाउ ब्यूटीफुल द कलर्स आर, एकदम पेस्टल कलर्स की सुंदर सुंदर से क्लिप्स हैं. नेक्स्ट जो मैंने लिया ना, मैं एक और पैकेट सीलर है. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. इट लुक्स लाइक अ स्टेपलर एंड इसके अंदर बैटरीज जलती है, लाइक सेल आप डाल दो एंड उसके बाद अपने पैकेट को सील भी कर सकते हो. मुझे काफी फैंसी सा प्रोडक्ट दिखा एंड मैं इसे ट्राई आउट करते हैं. आई एम नॉट श्योर कि ये काम करेगा या नहीं बिकॉज लाइक वहाँ के स्टाफ ने खुद मुझे बताया था कि थोड़ा सा स्लो काम करता है, एक फास्ट वाला भी आता है.
तो उनके पास वो फास्ट वाला था नहीं, दैट्स व्हाई आई गॉट दिस वन। बहुत ही क्यूट से पिंक कलर में है एंड आई जस्ट होप कि ये काम कर जाए, हम इसको यूज करके देखते हैं। नेक्स्ट अप आई गॉट अ शावर कैप एंड ये बहुत क्यूट सी मुझे पिंक कलर की शावर कैप दिख रही थी। इट इज फॉर 45 रुपीज। रोज तो सर धोना नहीं होता था, आप इसको शावर कैप को आराम से लगा के नहा सकते हैं। बड़ा क्यूट सा लगा मुझे, सो ये मैंने ले तो लिया है एंड आई जस्ट होप कि मैं इसको यूज भी करूँ। कोई भी क्यूट चीज दिखते हैं ना, मेरा मन करता है ले लो एंड ये बहुत प्यारे लग रही है एंड आई थिंक काम तो आने वाली है। नेक्स्ट आई गॉट दिस मेकअप रिमूविंग पैड। सो बेसिकली जितने आप कॉटन यूज करते हो या टिश्यू यूज करते हो, दे आर नॉट रियली इको फ्रेंडली बिकॉज वो सिंगल यूज प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैं जो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, आई हैव नेवर यूज्ड दिस, मुझे ये ट्राई करना था। मुझे वहाँ पे काफी सही रेट में मिल गया, दिस इज फॉर 77 रुपीज, द एमआरपी इज 77। बेसिकली मैंने अभी तक इसको नहीं लिया था क्योंकि मुझे लगता था कि यार एक बार तो आप अपना फेस वॉश कर लोगे एंड देन इसको आप वॉशिंग मशीन में धोगे या हाथ से धोगे तो डबल मेहनत वाला काम है एंड आई डोंट नो कि इतना ज़्यादा साफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको रिव्यू अपना यूज करने के बाद जरूर आपको बताऊंगी कि ये जेन्युइनली काम का है या फिर इससे आपका काम बढ़ता है। तो ये मैं डेफिनेटली आप ट्राई करके बताऊंगी। आई गॉट समथिंग फॉर द यूट्यूब वीडियोस। बेसिकली जब हम क्यू एन ए करते हैं, कोई वीडियोस करते हैं ना, तो मैंने उसके लिए ये लिया सो दैट आप अपने से हाथ उठा के अपना आंसर दिखा सको। तो मुझे बहुत ही क्यूट लगा। इसके अंदर एक छोटे साइज का भी था, प्राइस सेम था दोनों का, तो मैंने बड़े वाले लिए सो दैट अच्छे से विजिबल होता है इसके अंदर। आप मे बी इसको स्कूल प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट लाइक क्वाइट अ लॉट। आप एक के अंदर बहुत सारे कार्ड्स हैं एंड दिस इज फॉर, लेट मी चेक, दिस इज फॉर 63 रुपीज, बट डिस्काउंट में मुझे 30 या 35 रुपीज का पड़ा था एंड छोटा वाला भी आई थिंक 30 या 31 रुपीज का था, तो मैंने बड़ा वाला लिया। नेक्स्ट वेल ये दोनों चीज़ें मेरी मम्मी ने ली हैं बट मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ, क्या पता आपके भी काम आ जाए। ये है क्लोजेट फ्रेशनर। सो बेसिकली आप अपने कबर्ड में लगा सकते हो या फिर आई थिंक इसको वॉशरूम में भी लगा सकते हो, जिससे अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस आए। इसके अंदर दो पीसेज आए हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चल जाएंगे बिकॉज दे आर क्वाइट थिक। तो इसके अंदर जैसे आप लगाते हो ना, अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है, आपकी अलमारी में फ्रेग्रेंस हो जाएगी एंड ये लेमन वाली फ्रेग्रेंस है तो एकदम फ्रेश एंड लेमन वाला अच्छा सा लगेगा बेसिकली। एंड दिस इज अबाउट 61 रुपीज, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। 61 में आपको दो मिल रहे हैं, सो इट इज़ अ रियली गुड डील। मिस्टर DIY में ना काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं। प्रोडक्ट इज दिस कार फ्रेशनर, ये 170 रुपीज का है, जिसके अंदर 3 रीफिल्स हैं, एक मशीन जो उसके अंदर लगती है ना, बहुत सही है यार। 170 रुपीज़ में यू गेटिंग 3। ये भी मेरी मम्मी ने लिया तो मैंने अभी अभी देखा एंड इसके अंदर ये भी लेमन का ही लिया है। आई थिंक मेरी मम्मी को लेमन की फ्रेग्रेंस पसंद है तो ये भी उन्होंने लिया है, तो ये भी हम लोग गाड़ी में लगाएंगे। And yeah guys, that is it for today's video. Hope you guys had fun. And मुझे बताओ कि आप कभी Mr. DIY गए हो एंड अगर गए हो तो वहाँ पे आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है या फिर what do you want me to try from Mr. DIY, मुझे जरूर बताना। I would love to try out your recommendations. And if you have enjoyed this video, please give it a big thumbs up. Also, please subscribe to my YouTube channel. Insta पे मुझे follow कर लेना, this is my Instagram handle. And I'll see you in the next one. Bye.